एडीजी जोन के कार्यालय पर पीड़िता अनीता देवी पत्नी धर्मवीर निवासनी मोहल्ला आजाद चौक रुस्तमपुर थाना रामगढ़ ताल ने अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार के समक्ष उपस्थित होकर एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि उनके द्वारा ग्राम बरी थाना व तहसील खजनी में एक जमीन स्वरोजगार के लिए बैनामा कराया गया था। 20 फरवरी 2021 को भूमाफिया पूर्व पार्षद रविन्द्र निषाद पुत्र भगाने उर्फ सुंदर निषाद निवासी महेवा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर द्वारा अपने सहयोगियों के साथ दुकान पर आकर धमकी दी गई कि जमीन खाली कर दो वरना जेसीबी लगाकर गिरवा दिया जाएगा। साथ ही भूमाफिया रविंद्र निषाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आवेदिका की बाउंड्री को जबरदस्ती व गैर कानूनी रूप से गिराकर ध्वस्त कर दिया तथा जान से मारने का भी प्रयास किया गया। प्रार्थनी व ग्रामवासियों के विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए, जिसके संबंध में थाना खजनी में अभियोग पंजीकृत है। रविंद्र निषाद भू माफिया एवं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो थाना राजघाट का हिस्ट्री शीटर भी है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुक्रम में बुधवार को क्षेत्राधिकारी खजनी के नेतृत्व में पुलिस बल ने रविंद्र निषाद उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके घर और संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। माफियाओं के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। उनके ऊपर 12 मुकदमे हैं। वो थाना राजघाट के गैंगस्टर हिस्ट्री सीटर हैं। इतना ही नहीं, वो भूमाफिया इतने बड़े हो गए हैं कि न उन्होंने जबरदस्ती दीवार जेसीबी ले जाकर गिरा दी, बल्कि जेसीबी से एक महिला को उनके ऊपर 12 मुकदमे हैं और किसी की दीवार गिराएंगे, कानून अपने हाथ में ले लेंगे। वो उसको जेसीबी से दबाने की कोशिश की, उसको जान से मार दें। इतना बड़ा माफिया हो गया है वो। कानून का राज है भाई, कानून का राज है। जैसे दबाने का, उसके बाद दबाया जेसीबी से, प्रयास किया तो बच गई किसी तरह महिला। हत्या का प्रयास करेंगे और किसी मजलूम और दीनहीन का उसकी बाउंड्री गिराएंगे और हिस्ट्री सीकर होने के बावजूद वो बचेंगे? कहाँ गया है वो? कहाँ लखनऊ में? पेपर दे रहे हैं। कौन सा पेपर दे रहा है? कौन सा पेपर दे रहा है भाई? बेटा तुम अंदर चले जाओ बाबू, इसको ले जाइए अंदर, ले जाइए बच्चे को। आज की ये दबिश रविंदर निषाद पुत्र भगाने उर्फ सुंदर निषाद के खिलाफ है, जिनके खिलाफ 12 मुकदमे हैं और जो राजघाट थाने के हिस्ट्री सीटर हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने खजनी थाना क्षेत्र में एक बहुत ही निरीह पीड़ित महिला के न केवल बाउंड्री गिरा दी और उसको दब कुचल कर मारने का प्रयास किया जेसीबी से, और उसके अलावा उसको धमकी दिया कि अगर तुम अब इस जमीन से नहीं हट जाओगी तो मैं तुम्हारे परिवार में और सबकी हत्या करा दूंगा। इसके संबंध में थाना खजनी पर 47/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया गया है, जिसके संबंध में आज हमने यहां इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया है। माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई किया? जी जी, देखिए वो प्रकरण ऐसा था कि एक आवेदक आया था, उसने बताया कि उसके ज़मीन पर कोई भूमाफिया है, हिस्ट्री शीटर है, जेसीबी लेके पहुंचा हुआ था और गिरा दिया। उसको चेक किया गया और सत्य पाया गया, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। उस पर भूमाफिया में दर्ज होगा, वो उसकी गैंगस्टर एक्ट करेंगे और उसको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी।